हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। ये देखिए, ये हमने ये सर्कल बना लिया है। बैग के लिए हम बैग बना रहे हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको ये सर्कल बनाना बताया था। अब हम सेकंड पार्ट में आपको आगे का पार्ट बताएंगे। हमने 12 नंबर का क्रोशिया लिया था इसके लिए। अब हम यहाँ से इसे कट कर देंगे। यहाँ पर हमारा ये बन गया है। हमने 5 लाइन बनाई है, 1 2 3 4 5 छः, 6 लाइन बनाई है। आपको बड़ा बनाना है तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। हम 6 लाइन पर यहाँ पर कट कर देंगे। ये फंदी लगाई और यहाँ से ये कट करेंगे। ठीक है, ये हमने कट कर दिया और ये हमारा सर्कल बन गया है। अब यहाँ से हम रॉन्ग साइड से ये धागा है इसको अंदर करेंगे। इसको अंदर कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब ये हमें धागा नज़र नहीं आएगा। यहाँ से ये कट हो गया। अब ये हमारी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो अब हमने यहाँ से बनाया था ये। अब हम इसे इस तरह से करके यहाँ से बनाएंगे। अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। हमने कलर लिए थे तो अब हम इसे पहले ये वाला लगाएंगे, इनको बाद में लगाएंगे। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे इस तरह से। यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, एक दो और तीन। ये एक डबल क्रोशिया माना जाएगा। अब इसके बाद हम 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, इसको हम एक बार ही निकालेंगे। दो और ये तीन, ये 4 हो गए। 1 2 3 4। अब हम इन चारों को एक साथ निकालेंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर एक और चैन बनाएंगे, 2 चैन बनाएंगे इस तरह से। और फिर से ये 2 चैन स्किप करेंगे, 1 2 2 चैन स्किप करेंगे। तीसरे में फिर से हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार। इनको हम एक एक बार निकालेंगे। अब ये 5 हो गए फंदे, 5 फंदे हैं क्रोशिया पर। इनको अब एक साथ निकालेंगे इस तरह से। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक और चैन बनाएंगे, 2 चैन हो गई। अब हम फिर से एक दो, ये 2 चैन स्किप करेंगे। ये तीसरे में 4 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, एक दो तीन चार। ये 5 चैन फंदे हैं इस पर। 5ों का एक साथ निकालेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक और चैन बनाएंगे और फिर से 2 चैन स्किप करेंगे, एक दो इनको स्किप करेंगे। तीसरी में फिर से 4 बार डबल क्रोशिया, एक दो तीन और ये 4। ये 5 हो गए।
फंदे। अब पांचों को एक साथ निकालेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक और चैन बनाएंगे इस तरह से, फिर से दो चैन स्किप करेंगे, एक दो, और ये तीसरे में चार बार फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार, चार डबल क्रोशे बना दिया, ये पांच फंदे हो गए, पांचों को एक साथ निकालेंगे इस तरह से, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक और चैन बनाएंगे, और फिर से दो चैन यहाँ पर स्किप करेंगे, एक दो, और तीसरे में फिर से चार बार डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार, चारों को पांच फंदों को ये एक साथ निकालेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक और चैन बनाएंगे, फिर से एक दो चैन स्किप करेंगे, तीसरे में फिर से चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से बन कर आएगा। ये देखिए इसी तरह से हम ये पूरा राउंड पूरी करेंगे, पूरी रो इस तरह से हम पूरी करेंगे। ये सातवीं रो है, इसको इसी तरह से पूरी करके हम आपको दिखाते हैं। ये फर्स्ट राउंड पूरा हो गया, ये देखिए इस तरह से ये बन कर आया है। ये यहाँ तक बन गया, अब हम इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर हमने तीन चैन ली थी, आखिरी चैन पर जॉइंट कर देंगे। इसमें यहाँ पर एक फंदी लगाकर इसे बंद करेंगे। यहाँ पर हमने पहले दो चैन ली है, दो चैन लगा बनाने के बाद यहाँ पर जॉइंट कर दिया, इसको अब हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, इन धागों को हम बाद में ठीक करेंगे, अभी हम दूसरा कलर चेंज करते हैं। अब ये यहाँ पर हमारा ख़त्म हुआ है, अब हमने फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये यहाँ पर ये देखिए लूप बन कर आ गए। अब हम इन सब में हर किसी में एक इसी तरह से चार बार डबल क्रोशिया लेकर चारों को एक बार साथ एक साथ में निकालेंगे, बनाते हैं जरा। पहले यहाँ पर तीन चैन लेते हैं, एक दो तीन, ये एक डबल क्रोशिया माना जाएगा। उसके बाद फिर हम तीन और बनाते हैं, एक दो और ये तीन, ये चार फंदे हो गए। यहाँ पर चारों को एक साथ निकालेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, ये दो चैन होंगे, फिर से ये नेक्स्ट में चार बार इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार दो बार तीन बार और ये चार बार। अब हम इनको पांचों को एक साथ में निकालेंगे, एक चैन बनाएंगे, फिर एक और चैन बनाएंगे, दो चैन बन गई। अब फिर से नेक्स्ट में इसी तरह से चार बार डबल क्रोशिया, पांच फंदे हैं, पांचों को एक साथ निकालेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर एक और चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट लूप में इसी तरह से बनाएंगे, एक बार दो बार तीन बार चार बार, फिर से पांचों को एक साथ निकालेंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर एक और चैन लेंगे, दो चैन बन गए। फिर से नेक्स्ट में इसी तरह से एक दो तीन चार,
चार हो गए। अब ये पांचों फंदों को एक साथ निकालेंगे। अब एक चैन बनाएंगे, फिर एक और चैन, दो चैन बनानी है हमें इनके बीच में। इसी तरह से हम ये दूसरा राउंड भी पूरा करेंगे, दूसरी रो भी हम इसी तरह से पूरी कर देते हैं। ये देखिए ये राउंड भी पूरा हो गया, ये दूसरी लाइन हमारी पूरी हो गई है, इस तरह से बनकर आ रहा है। अब हमने दो चैन ली है, दो चैन लेने के बाद फिर से हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे इसको स्लिप स्टिच से। और यहाँ से कट कर देंगे। ये भी कलर पूरा हो गया। अब हमने दो कलर लगा चुके हैं इसमें, अब हम तीसरा कलर लगाएंगे यहाँ पर ग्रीन। हमने तीसरा कलर लिया है ग्रीन। आपके पास जो कलर हैं आप उन्हीं से बना सकते हैं। मेरे पास तो ये वेस्ट यूज ऊन पड़ी थी। अब हम यहाँ से तीसरा कलर स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर पहले तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, एक डबल क्रोशे माना जाएगा। इसके बाद तीन और बनाएंगे, एक दो और ये तीन, ये चार फंदे हो गए हैं क्रोशे पर। इन चारों को एक साथ निकालेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर एक और चैन बनाएंगे और नेक्स्ट में फिर से चार बार इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी में इस तरह से हम ये लाइन भी पूरी करेंगे, जैसे हमने दो लाइन बनाई है। हर किसी में ये चार चार डबल क्रोशिया बनाएंगे और दो चैन लेंगे बीच में। एक दो, दो चैन, फिर से नेक्स्ट में चार बार डबल क्रोशिया, एक दो तीन और ये चार, चारों पांचों को एक साथ निकाल देंगे, फिर दो चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से चार बार डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार, फिर से निकाल देंगे पांचों को, दो चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में इसी तरह से हम ये लाइन भी पूरी करेंगे। और अब हम आपको ये पूरा करके दिखाएंगे। ये हमने तीन लाइन आपको बता दिया, इसी तरह से ये पांच से छः या सात आठ इस तरह से आप बना सकते हैं ये लाइनें। अब हम आपको पूरा बनाकर दिखाएंगे।